नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। इस बार सभी राज्यों के सरकारों का एक ही वादा है कि हर घर वर्दी रहे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इन सभी राज्यों में आपके एक के बाद एक आपके कांस्टेबल के भर्ती के बारे में डिटेल आ रहा है। जहाँ से बिहार हो गया और मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती निकल चुकी है और इसके आगे यूपी में भी निकलने वाली है। जो यूपी में सबसे ज़्यादा भर्ती निकलेगी, इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा होगा। तो मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती निकल गई, इससे रिलेटेड क्या है, कौन कौन भर सकता है इस एग्ज़ाम को, कौन कौन दे सकता है और कब एग्ज़ाम हो जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, इसमें सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा। जितना आपको ज़रूरत है वो पॉइंट में इस एप्लीकेशन जो आपका नोटिफिकेशन है उससे बता दूंगा। बाकी आप डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन को ओवरव्यू कर लीजिएगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये बहुत डाउट रहता है बच्चों के। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि इस मध्य प्रदेश में कॉन्स्टेबल बनने के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है, किसी भी स्टेट से फॉर्म भरा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपी के ही हो तभी आप एमपी में कांस्टेबल बन सकते हो। आप किसी भी अदर स्टेट से हो, एज ए जनरल ट्रीट किए जाओगे, आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल बताने से पहले एक बार बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस के द्वारा इससे रिलेटेड आपके जो खासकर नोट्स हैं, जो मानसिक अभिरुचि हो गया, विज्ञान हो गया, रीजनिंग का सेक्शन है आपका, हिंदी का सेक्शन, इन सभी से रिलेटेड आपका ईबुक जो है तैयार किया जा रहा है। ये ईबुक कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स आपको ईबुक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगस्त में 12 तारीख से आपके एग्जाम डेट स्टार्ट हैं, तो विधिवत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ईबुक बनाया गया है। आप इसे पढ़कर जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप से पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्हें भी खासकर एक सब्जेक्ट होता है मानसिक अभिरुचि, ठीक है, मानसिक अभिरुचि की स्पेशल क्लास आपको दे दी जाएगी, ठीक है, स्पेशल क्लास दे दी जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। इसमें आपको मेनली पुलिस से रिलेटेड प्रश्न पूछता है जो बच्चों को कहीं मिलता नहीं है, तो ये आपको मैं स्पेशल क्लास प्रोवाइड करा दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में मानसिक अभिरुचि की, वहां से आप लोग पढ़ लेंगे तो वो चीजें आपकी। बाकी रीजनिंग, मैथ, साइंस आपको पूरे पीडीएफ में नोट्स मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब डिटेल में हम लोग यहां पर आते हैं, इसको देख लेते हैं। परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिएगा, सब कुछ वहां पर डिटेल व्यू मिल जाएगा। अगर कोई समस्या होती, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर इसका जो फॉर्म है वो 26 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 26 जून से, ये देख रही है, और अंतिम जो तिथि है वो 10-7 तारीख है। और इसके बाद एग्जाम की जो बोला गया है परीक्षा दिनांक आपका कब हो जाएगा, 12-8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपके शुल्क दिया गया है 500 रुपया है और रिजर्वेशन वालों के लिए 250 रुपया है। अब यहां पर हम बात करें, पूरा सब कुछ दे दिया गया है कि आपका कितने पाली में एग्जाम होगा, कब कब होगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, देखिए यहां पर आरक्षक भर्ती 12-8 से प्रारंभ है। अपडेट नहीं दिया है कि यह शुरू है जब तक हो जाए, ठीक है। प्रथम जो होगा पाली होगा और द्वितीय पाली, दो पालियां होंगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दे दिया 7:30 से 8:30 और दोपहर में 12:30 से 1:30, ये रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पे पहुंचने का। आपका महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो है सिस्टम पे वो आपका समय दे दिया, और सॉल्व करने का 9:30 से 11:30, 2 घंटे का ये है, और 2:30 से 4:30 बजे तक, ये भी 2 घंटे का पेपर है आपका, दो पाली में पेपर होगा और 12 तारीख से स्टार्ट है। तो समय आपको एकदम नहीं मिला है, तो यही आपके समय के अभाव को देखते हुए कोर्स डिजाइन किया गया है टीम परीक्षा प्लस के द्वारा। अब यहां पर हम बात करें कि आपका अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम देने भी जाना है तो अपना जो वैलिड प्रूफ लेकर उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर ही जाना है एडमिट कार्ड के साथ, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना है, यही सब आपका डिटेल में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं कि क्या क्या है, इसके पाठ्यक्रम उठक्रम दिए गए हैं वो देख ले। भर्ती किस चीज की है तो यहां पर ध्यान रखिए, जो कांस्टेबल वहां पर आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी बोला जाता है, गैर तकनीकी मतलब टेक्निकल नहीं है, और इसमें दो हैं आपके, पहला आरक्षक है, इसमें सामान्य ड्यूटी जो विशेष शस्त्र बल पे है,
और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो लोग हैं उनमें आपके दो भर्तियां यहां पर है। तो यहां पर देखो कितने पोस्ट हैं, अगर हम बात करें आरक्षक के समान ड्यूटी जीटी के जीडी के लिए तो 7090 पोस्ट हैं इसमें। उसके बाद से अगर हम यहां पर कुछ जो पोस्ट आपके सिर्फ केवल पुरुषों के लिए हैं आरक्षक जीडी में, वो क्या है विशेष सशस्त्र बल में, वो है आपके 2646 पोस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए है। और बता दें कि यहां पर दूसरा जो है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो आपके अगर पोस्ट हैं वो आपके टोटल कितने 4444 पोस्ट हैं। तो अच्छा खासा वैकेंसी निकला है आपको। और तकनीकी में जो रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल की भर्ती है ये 321 पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए हाँ, यहां पर कुछ आपको रिजर्वेशन से दिया गया है कि क्या आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है, जो कैटेगरिया मध्य प्रदेश में लगाई गई है उसके अकॉर्डिंग आपका बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। उन्हीं लोगों के लिए जरूरी होता है जो एमपी के निवासी हैं, बाकी लोग तो अनरिजर्व में काउंट होंगे जो अदर स्टेट वाले होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके भूतपूर्व सैनिक से हैं और जो मेन आहर्ता है उनमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो है मध्य प्रदेश का होना चाहिए, इसलिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। शासन के आदेश के अनुसार कोई भी, ये पॉइंट देख लीजिए, कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2000 को या उसके बाद हुआ है, अगर दो बच्चे हैं और जिसमें से एक का जन्म अगर 2001 के बाद हुआ है, उससे पहले हुआ तो कोई बात नहीं, अगर 2001 के बाद हुआ है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात बोला, यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। दो से अधिक जीवित बच्चे हैं तब, दो हैं तब तो ठीक है, ठीक है, उसके लिए ना वो रहो, दो के बाद अगर तीसरा कोई है और तीसरे का जो जन्म हुआ है वो 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तब आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। अगर आपका प्रसव के दौरान दो से अधिक बच्चे जन्म लेते मतलब जुड़वा हो जाते हैं, इस केस में यह मान्य नहीं होगा। चलिए उसके बाद से बोला गया है यहां पर आयु में छूट के बारे में कि आयु में छूट क्या होगी, मेन क्या क्या चाहिए आपको, शिक्षा, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक के लिए ये सब चीजें रहेंगी आपको मेन मेन आहर्ता में जरूरी है। इसके बाद से हाँ यहां पर हम लोग देख लें क्या सैलरी आपकी बनेगी। उसके बाद से एज क्राइटेरिया में अभी हम आते हैं, सैलरी आपकी 19,500 से लेकर 62,000 तक का वेतन मान ये आपका मैट्रिक्स है तय किया गया है। आप जब नियुक्ति में जाएंगे तो उसमें जो भी होगा आपका स्टिफेंड वो दिया जाएगा, उससे साथ साथ आपके भत्ते जो दिए जाएंगे वो आपको दिया गया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग यहां पे यह पोस्टिंग के लिए बताया गया है कि कहां कहां पे होगा, जहां भी पोस्टिंग होगी आपको 5 वर्ष तक रहना है, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर दिया जाएगा, यह भी यहां पर बोल दिया गया है। और यहां पर एक चीज देखिए कि जो भी बोला गया, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के अस्थाई आदिवासी नहीं है सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब जो अदर स्टेट के हैं वो आपके यूआर में जो ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन को, उनको जो है अधिकतम आयु में जो छूट है वो नहीं मिलेगा जो वहां पे मध्य प्रदेश के लोग हैं, लेकिन कोविड के कारण जो छूट मिला है वो मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोविड वाला नहीं मिलेगा। तो वह 18 से अधिकतम आयु जो है 33 साल है और 3 साल ये छूट दिया गया है कोरोना के कारण, तो इसलिए 36 साल तक के लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं 18 से 36। बाकी मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल रखते हैं उनको जो जो छूटे हैं वो आपको यहां पर दिया जाएगा कि क्या है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आरक्षक जीडी के लिए क्या होना चाहिए, 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 प्रणाली में 10वीं कक्षा आपकी 10वीं क्लास आपका उत्तीर्ण होना चाहिए या सेकेंडरी अथवा समकक्ष उसके या हायर सेकेंडरी होना चाहिए। इसके बाद से अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता कम कर दी गई है, 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इनके लिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी एक तरह से बोला जाए छूट मिल गया है कि अगर ये 8वीं पास है तभी भी
फॉर्म फिल कर सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या है? रेडियो ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वाले नहीं चलेंगे यहां पर। टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो, मतलब एक तरह से डिप्लोमा 2 साल का किया हो, इन इन ट्रेड में बस सीएस वाले नहीं चलेंगे, एप्लीकेशन वाले नहीं चलेंगे। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको पहले चरण में ही इससे रिलेटेड आपका जो होगा उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम होगा। इनमें बोला है अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समान होगा, मतलब सेम रहेगा इनके लिए, यही चीज रहेगा, उनके लिए कोई छूट नहीं रहेगी। हाँ, अब आयु सीमा में छूट देख लीजिए जो कहा गया है। तो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी चाहे अनारक्षित वर्ग में टोटल आपका 36 साल तक है, 18 से 36 का एज रहता है। पुरुष और महिला, अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, दूसरे प्रदेश के अगर कर रहे हैं तो उनकी भी मैक्सिमम 36 वर्ष तक है, ठीक है। महिला, अब यहां स्टार लगा दिया गया, स्टार का मतलब है ये सभी चीजें मध्य प्रदेश के लिए है, ठीक है, जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है उनके लिए, सभी श्रेणी के लिए। अपर एज 41 साल हो गई। पुरुष के लिए जो अनुसूचित जात जनजाति और भी जो है उनके लिए भी अपर एज 41 साल हो गई। पुरुष सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी के लिए 41 साल हो गई। उसके बाद से पुरुष आरक्षित और आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जाति विवाह वाले जो होंगे उनको भी 41 साल मैक्सिमम हो गया है। महिलाओं के लिए भी वो 46 साल है। उसके बाद से पुरुष अनारक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार अगर विजेता है, जो पुरस्कार भी जीते हैं उनका अपर एज लिमिट भी 41 साल दिया गया है। 3 साल ये कोविड वाला सब में जोड़ा गया है, बाकी ये 5 साल मिला है, यहां पर देखिए इसको 5 साल मिला है एक्स्ट्रा एज, जो विक्रम पुरस्कार जीता होगा, ठीक है। ऐसे महिला में भी है और पुरुषों में भी है, यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एज आपका बताया गया है कि कब से कब तक है, ये बाकी उसी के बारे में बताया गया है कि छूट जो आपको दी गई है कोरोना के कारण 3 साल की छूट दी गई है। अब परीक्षा योजना पे हम लोग आ जाते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये ध्यान रखिए। पहला जो होगा प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यहां पर लिखा है हिंदी भाषा में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे पहला चरण। दूसरे में बोला है आपका प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु होगी, ये सिर्फ तकनीकी पदों के लिए होगी, ये ध्यान रखिएगा। अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। और थर्ड आपका द्वितीय चरण परीक्षा योजना का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा इसमें, ठीक है। प्रथम चरण परीक्षा योजना में क्या होगा, यहां आ जाते हैं, ये प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसमें आपका अवधि जो होगा वो 2 घंटे की होगा, 100 प्रश्न होगा। अंक योजना ऐसा है 100 अंक होगा, 1 अंक आपको सही करने पर मिलेगा, निगेटिव आपका नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 40 अंक आपके जो है सामान्य ज्ञान और तार्किक के होंगे, मतलब जीएस और रीजनिंग एक साथ होगा आपका, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके 40 अंक के होंगे। 30 आपके बौद्धिक क्षमता, ठीक है, और मानसिक अभिरुचि, ये भी आपके कहीं ना कहीं किसके पार्ट है, बौद्धिक क्षमता ये भी रीजनिंग वाला ही पार्ट है, और मानसिक अभिरुचि ये भी आपका यहां पर उसी मानसिक अभिरुचि खासकर पुलिस वाले विभाग से आता है। तो ये 30 प्रश्न आपके यहां से हो गए, ठीक है। 30 अंक इसी की क्लास आपको स्पेशल प्रोवाइड की जाएगी। 30 अंक आपके विज्ञान और सरल अंक गणित, मतलब मैथ भी है और विज्ञान भी है, इसके भी 30 अंक आपको मिलेंगे, मतलब 30 अंक का क्वेश्चन आपका होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो अच्छा खासा आप ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं है। उसके बाद से आपको बताया गया है दूसरा जो होगा इसमें क्या होगा, ये सिर्फ उनके लिए है जो तकनीकी परीक्षा देंगे। पहला देने के बाद ये दूसरा वाला जो पेपर होगा वो अधिकतम 100 अंक का निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये आपका बोला आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर,
टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का स्तर होगा। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थी को प्रथम चरण लिखित परीक्षा, ठीक है, एवं तकनीकी परीक्षा के योग के कट ऑफ अंकों के आधार पर, मतलब इनका एक आपका क्या होगा जो प्रथम चरण में वो वाला है जो सबके लिए देना है, ये वाला पेपर ये देना है, और इनका जो पेपर है बोला गया ना जो तकनीकी वाला है, बोला ना 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं तकनीकी परीक्षा के योग कट ऑफ अंकों के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 गुना लोग जो होंगे ये प्रायोगिक परीक्षा जो तकनीकी यहां पर किसके किसके तकनीकी परीक्षा और लिखित परीक्षा प्रथम चरण की उसके आधार पर 7 गुना लोग चुने जाएंगे शारीरिक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरे चरण में हम जाएंगे तो जीडी के लिए क्या होगा आपकी, यहां पर शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे, मतलब यहां पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसके अंक जोड़े जाएंगे आपका जो पहला एग्जाम रहा होगा रिटेन वाला एमसीक्यू उसके साथ, उसके बाद फाइनल कटअप बनता है। लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर वाला ये एग्जाम है इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी, इसमें जो आपका होगा वही पहला पेपर जो सबके लिए समान है और दूसरा टेक्निकल वाला, इन दोनों के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। बाकी आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो क्वालिफाइंग होगा। चलिए यहां पर बोला गया कि क्या क्या अंक आपको चाहिए उसके रिलेटेड आपको बताया गया है। यहां देखिए जो आपको मेन वो चाहिए वो ध्यान दीजिए कि आपका कितना हाइट होना चाहिए, हाँ कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए आपका जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आरक्षक पदों के लिए है, और सीना जो होगा वो आपका 79 होगा, फुलाने के बाद 84 होगा। अगर बाय द वे आपका सीना 84 है, ठीक है, फुलाने वाले कैटेगरी मैक्सिमम है, तो ऐसा नहीं कि आपका फुलाया नहीं जाएगा, फुलाना आपके लिए जरूरी होता है 5 सेंटीमीटर, तो उसके बाद भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, इसके बाद से गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के लिए 157 है, उस मराठा अनुसूचित जात के लिए 165 है, और सीना आपका वही है, यहाँ पे विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर उनके लिए आपका यहाँ पे 168 है, बाकी इन लोगों के लिए जो आपके आरक्षित वर्ग हैं 155 है, और यहाँ पर फुलाव नहीं मांगा गया है इनसे, ठीक है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के 155, यहां पर फुलाव मांगा गया है 76 से 81, इनमें महिलाओं में फुलाव नहीं मांगा जाता, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बारे में बोल ही दिया है कि क्या होना चाहिए, मेडिकल के लिए भी बोल दिया है कि अगर आपकी आंख जो है एक आंख 6x9 और एक आंख 6x12 से अगर आपका क्या है बोला ना नहीं होना चाहिए, बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता 6x9 से कम नहीं होनी चाहिए और एक आपकी 6x12 से कम नहीं होनी चाहिए बिना चश्मे की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना चश्मे का अगर वो लेटर आता है ना उसमें लिखा रहता है कौन सा 6x9 है और कौन सा 6x12 है, तो वो चेक कर लीजिएगा, मेडिकल का भी बता दिया आपका। चलिए उसके बाद से हम लोग शारीरिक उसमें आ जाते हैं कि क्या क्या आपसे कराया जाएगा, ये आपको मैंने बता दिया कि क्या है, बाकी आप आ जाए तो आपका फिजिकल में क्या क्या होगा वो चीजें हम देख लेते हैं। यहां देखिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, इसमें पुरुष के लिए गोला फेंक गोले का वजन 7.26 किलोग्राम का होगा और महिलाओं वाला जो होगा वह 4 किलो का होगा। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर आपको दिया जाएगा, ठीक है, बाय द वे आप डिस्क्वालिफाई होंगे तो एक बार और अवसर दिया जाएगा, और गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि क्या, ये देखिए ये जो पुरुष के लिए दिया गया है ये क्या है इतनी तालिका, तो ये कुछ नहीं है, यहां पे अंक दिया गया है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपका जो आपके कांस्टेबल हैं जीडी वाले उनमें काउंट होगा ना मेरिट बनने के लिए, क्वालिफाइंग तो आपके रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए है ये चीज, ठीक। तो यहां पर जैसे बोला है कि 198.3 सेकेंड में अगर 800 मीटर इससे ज्यादा अगर आप समय लेते हैं 800 मीटर सेकेंड मतलब दौड़ करने में तो आपको 0 अंक दिया जाएगा,
ठीक है, और 2.96 से कम अगर मीटर से फेंकते हैं तब जीरो मिलेगा, 3.83 से कम फेंकते हैं तो आपको जीरो अंक मिलेगा। मैक्सिमम अंक आपको कब मिलेगा ये ध्यान रखिए, आपको दौड़ में अधिकतम 40 अंक मिल सकता है, 100 नंबर का होगा पूरा, ये फिजिकल एफिशिएंसी 100 नंबर का होगा, जिसमें से अधिकतम अंक 40 आपको दिया जाएगा दौड़ में, और वो कब दिया जाएगा जब 800 मीटर की दौड़ आप कितने में 124.2 सेकंड में कर लेते हैं, उससे कम, 124.2 से कम में अगर आप 800 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। इसमें अगर गोला आप कहां फेंकते हैं अधिकतम अंक, ये देखिए ये ऊंची कूद है, क्या है, लंबी कूद है, गोला फेंक नहीं है, लंबी कूद है और ये गोला फेंक है, तो लंबी कूद अगर आप 5.57 मीटर से अधिकतम से अधिक कूदते हैं, इससे अधिक आप कूद जाते हैं तो आपको अधिकतम 30 अंक मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, और गोला अगर 8.76 मीटर से अधिक फेंकते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो 30, 30, 60 और 40, 100 में से 100 नंबर आपको फिजिकल में मिलेगा, नहीं तो बाकी आपको बताया गया है कि कितना में कितना मार्क्स मिलेगा, तो ये देख लिया, 29 नंबर कम मिलेगा, 28 नंबर कम मिलेगा, 26 नंबर कम मिलेगा, ये पूरी तालिका बना के दिया गया है, ऐसे महिलाओं के लिए भी दिया गया है, ठीक है, ऐसे ही आप आओगे तो रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए दिया, तो रेडियो ऑपरेटर में तो आपको क्वालिफाइंग करना है, ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो चीजें आपको करनी है, तो बस यही चीजें हैं, आप लोग इस ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, जिन्हें भी तैयारी करनी है मैंने पहले भी बता दिया, आप परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ सकते हैं, पूरा विधिवत आपको मानसिक अभिरुचि जो खासकर कहीं नहीं आपको मिलेगा वो हम आपको वीडियो क्लास के फॉर्म में देंगे, बाकी चीजें तो आप पढ़े होंगे, बाकी चीजों पर भी अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि सर नहीं मुझे पूरी क्लास चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि डेफिनेट टाइम में जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो वो आपको करा दिया जाए, लेकिन अभी हमारा जो है वो पीडीएफ नोट्स लॉन्च हो चुका है, ईबुक जो आप तरह बोल सकते हो आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं, आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से आप उस बैच को परचेस करिएगा, तो आप नोट्स को डाउनलोड करा के प्रिंट करा सकते हैं, किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों अपने छोटे भाइयों तक शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।